तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ कुछ ऐसे इलाके हैं जो भाई टूरिस्ट के लिए जाते हैं, ठीक है। तो मैं उन चीज़ की आज आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन से राज्य में कौन सा इलाका आपके टूरिस्ट के लिए अच्छा रहेगा या कौन सा इलाका आपके लिए बहुत घूमने के लायक या लाभदायक रहेगा, ठीक है। कुछ को तो मतलब इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, लेकिन चले जाते हैं तो फिर अब बड़ी प्रॉब्लम होती है जाके, ठीक है। तो मैं आज आपको उसी चीज़ के बारे में बताऊँगा कि आप किस इलाके में जाएँ, कहाँ जाएँ, कश्मीर में जाएँ या लद्दाख, लेह लद्दाख में जाएँ, ग्लेशियर में जाएँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है अभी ग्लेशियर में कहाँ घूमने का जगह है या फिर कश्मीर में कैसे जाएँ, रहने खाने का वहाँ पे क्या प्रबंध है, ठीक है, तो मैं उसी चीज़ के बारे में आपको आज बताऊँगा, ठीक है। तो आपको वीडियो आपको लास्ट तक पूरा देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो कुछ सपोर्ट मिलेगा आपको, हमें पता लगेगा कि आप हमको सुनते हैं, आप हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। तो दोस्तों एनी वेस्टिंग आप पूरा वीडियो देखिए छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों जम्मू कश्मीर की खूबसूरती के बारे में तो सब कुछ सब लोग जानते हैं, यहाँ के बर्फीले पहाड़, यहाँ के रंगीन पहाड़, यहाँ के रंगीन फूल, रंगीन सड़कें, वहाँ पे टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी जगह है, यहाँ के नीले आसमान, यहाँ का नीला पानी, ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी जगह है। लेकिन कुछ लोग जानते हैं सिर्फ श्रीनगर को और कुछ अन्य इलाके को, लेकिन छतकाल, जी हाँ, छतकाल एक जम्मू कश्मीर का एक बेहतरीन ऐसा इलाका है जो आपकी छुट्टियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दक्षिण कश्मीर में बसा हुआ छतकाल बहुत ही सुंदर और सबसे अच्छा इलाका है। यहाँ के जो आपको घूमने के इलाके, यहाँ के सफ़ेद फूल, यहाँ के बिल्कुल सफ़ेद फूलों से ढकी चादर, लाल फूलों से ढकी चादर आपको दो बहुत अच्छी देखने को मिल सकती है। ये छोटा सा इलाका है लेकिन अति सुंदर है। यहाँ पर कुछ ही दिन पहले भारत सरकार ने इस इलाकों को टूरिस्ट के लिए घोषित कर दिया था। यहाँ की सब शान इलाका है, यहाँ पर कोई ज़्यादा भीड़ भाव नहीं है, यहाँ के झरने, यहाँ के पहाड़, यहाँ के झरने आपके खुशियों में और भी ज़्यादा तब्दीली कर देते हैं। यहाँ अपने दोस्त के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपनी एनी बेस्टिंग आप आराम से छुट्टियाँ बिता सकते हैं, हॉलीडे पे घूम सकते हैं यहाँ पे आप। लेकिन कुछ इलाके खतरनाक से हैं कश्मीर के अंदर, लेकिन कुछ इलाके बहुत अति सुंदर हैं। यहाँ के जो झरने हैं, हर रोज़ आना, यहाँ पर मौसम चेंज होते रहते हैं, ठीक है। यहाँ की जो खूबसूरती है वो दुनिया में मशहूर है, यहाँ के झरने मशहूर हैं, यहाँ का पानी मशहूर है, यहाँ के बहते झरने, यहाँ के बहती बशाशत, यहाँ के रहने वाले लोग, आपको अति सरीक चीज़ आपको सुंदर मिलेगी। लेकिन आप यहाँ जून से अगस्त तक बहुत अच्छी तरीके से घूम सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ठंड में यहाँ बर्फ़ भी बहुत पड़ती है, अगर आपको बर्फ़ देखनी है तो आप ठंड में आइए। और आप यहाँ को लगभग आपकी यहाँ की कड़क चाय का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ की खूबसूरत चाय, आप यहाँ पे पहाड़ों पे घूम सकते हैं, आप यहाँ सेब के बागात भी देख सकते हैं, यहाँ को आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। उसके बराबर में ही दक्षिण एशिया में एक छोटा सा गाँव पड़ता है, उसका अभी मेरे को नाम नहीं याद है, लेकिन अब उसको बताते हैं आपको यहाँ पर आने के बारे में। यहाँ पर दोस्तों जम्मू स्टेशन से आपने आना होगा, अगर आप हरियाणा से पंजाब से रहें तो आपको जम्मू जाना होगा, जम्मू से आप फ़्लाइट में भी आ सकते हैं श्रीनगर के लिए, तो वहीं से आपको टैक्सी भी मिल सकती है और वहाँ पे ट्रेन से भी आ सकते हैं आप, जम्मू तक ट्रेन आती है।